तो आप फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल टेक्नो स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं देखते हैं। जब कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोसेस हेतु किसी प्रकार का डाटा भेजना होता है तो उसे इनपुट डिवाइस की सहायता से भेज सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड, ऑब्जेक्ट के लिए स्कैनर, साउंड के लिए माइक एवं इसी प्रकार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा इनपुट करने के लिए माउस इत्यादि मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस निम्नलिखित है जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, वॉइस इनपुट डिवाइस। तो पहले कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड टाइपराइटर के कीबोर्ड के समान ही होता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 108 की होते हैं। कीबोर्ड को टेक्स्ट एंड कैरेक्टर निवेश के लिए डिजाइन किया गया है। कीबोर्ड में निम्नलिखित प्रकार के की होते हैं जैसे अल्फाबेटिक की। कीबोर्ड में अल्फाबेट्स ए से जेड की को अल्फाबेट की कहते हैं। कैप्स लॉक की के ऑन होने पर अल्फाबेट कैपिटल में टाइप होते हैं तथा कैप्स लॉक के ऑफ होने पर अल्फाबेट लोअर कैरेक्टर में टाइप होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाएं भाग में 17 की के समूह को न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं, 4 एरो की होते हैं और 4 क्या होते हैं ऑपरेटर होते हैं। फंक्शन कीबोर्ड के ऊपरी भाग में 12 फंक्शन की होते हैं जिन पर F1, F2, F3, F12 अंकित रहता है, अतः उनकी की सहायता से विशेष कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है माउस। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन में किसी बिंदु को सेलेक्ट करने के लिए माउस को घुमाना पड़ता है। यह मूवमेंट वह इसकी दिशा माउस के अंदर के दो घूमने वाले चक्रों पर निर्भर करती है। इसको मूवमेंट के लिए समतल सतह की जरूरत होती है तथा इसके चक्रों का अक्ष राइट एंगल पर होता है। माउस में 2 या 2 से अधिक बटन होते हैं जिनको दबाने से स्क्रीन के अवयव चुने जाते हैं। माउस के बटन को उंगली से दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। माउस के द्वारा प्रायः स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग उपकरण है। माउस के ठीक विपरीत ट्रैक बॉल में ऊपरी सतह पर एक बॉल होता है जिसे सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है। बॉल के नीचे नीचे लगा सर्किट बॉल की यांत्रिक गतियों को इलेक्ट्रिक पल्स में बदल देता है जिसकी सूचना प्रोसेसर को मिल जाती है। ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। चौथा इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन के द्वारा स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाए जा सकते हैं। लाइट पेन माइक्रो कंप्यूटर की स्क्रीन VDU विजुअल डेवलपमेंट के साथ कार्य करता है और स्क्रीन पर ड्राइंग बनाता है या डिस्प्ले में परिवर्तित कर सकता है। वॉइस इनपुट डिवाइस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सबसे नया एग्जाम्पल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस है। इस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर में डेटा बिना टाइप किए सीधे बोलकर इनपुट किया जा सकता है। वॉइस इनपुट डिवाइस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह केवल उन शब्दों को इनपुट ले सकता है जो मशीन में पहले से स्टोर होती है। किसी लैंग्वेज के सभी शब्दों को मशीन में स्टोर करना संभव नहीं है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य कंप्यूटर द्वारा जनित परिणामों को स्वीकार करना है जो कोड के रूप में होते हैं जिन्हें सरलता से नहीं समझा जा सकता एवं इन कोड के रूप में प्राप्त परिणाम को मनुष्य द्वारा स्वीकार्य भाषा में बदलती है एवं इन डिवाइस का एक अन्य कार्य प्राप्त परिणामों को उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर प्रदर्शित करके अथवा कागज पर उन्हें प्रिंट करके देना होता है। दूसरे शब्दों में जिन डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा पेपर पर प्राप्त आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है तथा कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रदर्शित आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाती है। कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस इस प्रकार है। पहला है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। तो VDU का सबसे प्रचलित रूप मॉनिटर या CRT है। इसे कंप्यूटर का मुख्य अर्थात स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस माना जाता है। इसके द्वारा आउटपुट को कैरेक्टर और पिक्सल के रूप में दिखाया जाता है। यह इमेज को छोटे डॉट्स के रूप में दिखाता है जिसे पिक्सल के रूप में जाना जाता है जो आयताकार रूप में होता है। इमेज की तीव्रता को स्क्रीन रिजोल्यूशन कहा जाता है जो पिक्सल पर निर्भर रहता है। पिक्सल के आधार पर मॉनिटर को कई टाइप्स में बांटा गया है जिसमें CGA, CCA, BGA,
SBGA के नाम से जाना जाता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर दो तरह के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर कीमत में सस्ते एवं उत्तम रंगीन आउटपुट देने में सक्षम है। सीआरटी मॉनिटर में मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे पिक्चर ट्यूब कहते हैं। सीआरटी में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करती है, तथा ग्रिट होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को परिवर्तित करती है, जिसके कारण स्क्रीन की चमक में अंतर आता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर डिजिटल वॉच या कैलकुलेटर की भांति होता है, जिनमें LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। इन मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता, इनकी स्क्रीन फ्लैट होती है। फ्लैट पैनल मॉनिटर पर जब उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, तब क्रिस्टल इस तरह व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनमें लाइट आर पार नहीं हो पाती। लाइट की अनुपस्थिति स्क्रीन पर कैरेक्टर की तरह प्रदर्शित होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर में कैरेक्टर हिलते नहीं हैं, अतः इनमें आंखों में तनाव नहीं होता है। दूसरा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को पेपर पर प्रिंट कर प्रस्तुत करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसका कार्य कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल आउटपुट को मानव के समझने योग्य भाषा, संकेतों तथा चित्रों में परिवर्तित करके हार्ड कॉपी के रूप में कागज पर प्रिंट करना होता है। प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, प्रिंटिंग सीक्वेंस के आधार पर, प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर। तो सीक्वेंस के आधार पर, पहला कैरेक्टर या सीरियल प्रिंटर, ये वे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक ही अक्षर छापते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। लाइन या पैरेलल प्रिंटर, ये वे प्रिंटर है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर। प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर होते हैं जिनमें एक प्रिंट हेड कागज और रिबन पर टकराता है और प्रिंटिंग अक्षर ठोस मुर्दा वाले अक्षरों के रूप में कागज पर उभरते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर इसका एग्जाम्पल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटिंग की इस विधि में प्रिंट हेड व कागज के मध्य सीधा संपर्क नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेजर तथा इंजेक्ट आदि तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तीसरा है प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में उच्च कोटि की ग्राफिक्स व डिजाइन बनाने में किया जाता है। प्लॉटर ग्राफिक्स या डिजाइन बनाने के लिए इंजेक्ट या इंक पेन का उपयोग करते हैं। रंगीन आउटपुट के लिए रंगीन पेज का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। तो फ्लैट बेड प्लॉटर, इस तरह के प्लॉटर में एक चपटी सतह होती है। इस सतह पर पेपर या किसी अन्य माध्यम को स्थित किया जा सकता है। एक भुजा पर पेन होती है जो ऊपर नीचे वाई एक्सिस और दाएं बाएं एक्स एक्सिस में गति कर सकती है। पेन की गति कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती है और कागज पर आकृति बनती है। ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर में कागज एक ड्रम पर होती है। यह ड्रम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। इसमें हेड पर प्रत्येक रंग के लिए एक पृथक पेन होती है। पेपर पर किसी ड्राइंग को बनाने के लिए क्षैतिज दिशा में बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमती है। ड्रम तथा पेन की गति कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती है। चौथा क्या है, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें साउंड के रूप में प्रदान करता है। स्पीकर के माध्यम से हम संगीत, चलचित्र तथा गेम्स की तरह की आवाजों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर के द्वारा हम एक मल्टी मीडिया कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम को साउंड के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज यार, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया।